रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षी, तुम्हें क्रिमिनल की हेल्प कैसे कर सकती हो? तुम्हारे एक बेवकूफी ने पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा कर दिया है। क्या पता है? लो मीडिया सुबह से पीछे पड़ी है। दिन दहाड़े छोटी सी बच्ची किडनैप हो जाती है, उसके बाद एक के बाद एक पुलिस वाले मारे जाते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, आखिर हम पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। ये तो अच्छा है चीफ के मीडिया को अब तक ये पता नहीं चला कि क्रिमिनल पुलिस वाला बनके पूरे डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा था, वरना यानी तुम एक्सेप्ट करते हो कि वो पूरे डिपार्टमेंट से ज्यादा चालाक है, राइट? और अगर मैं उस पर शक न करती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि सुधीर कोहली एक्चुअली केशव खत्री है। ये सब बॉस बिल्कुल ठीक कह रही है, और उस बंदे को कंट्रोल करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। आई थिंक बॉस का यही प्लान था कि वो जब उनसे मिलने आएगा तब उन्हें कैप्चर कर लेंगे। चलो मान लिया ये तुम्हारा प्लान था, लेकिन किसी भी ऑपरेशन के पहले अपने सीनियर या अपने डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जो तुम लोगों ने नहीं किया। अगर हमें पहले से पता होता तो दूसरी टीम वहां होती, सुधीर कोहली को कोई ऐसे नहीं मार के जाता। I'm sorry, that was my mistake. But अपने डिपार्टमेंट में कोई है जो बलून मैन से मिला हुआ है, और पांडे का मर्डर इस बात का सबूत है। Excuse me. But chief, एक गुड न्यूज है, अगर वो शूटर वही बलून मैन है तो वो इंजर्ड है। मेरी गोली लगी है उसे, वो किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक या किसी डॉक्टर के पास डेफिनेटली गया होगा। बैड न्यूज। अब क्या है? वो कोहली पुलिस वैन से भाग गया। लेकिन तुमने उसे हाथ कड़ी पर आई थी, भाग कैसे गया? साक्षी, मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है सर। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही इज रियली स्मार्ट, रियली रियली स्मार्ट। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले शायद वही बलून मैन तक पहुंचेगा। गांव में इंफेक्शन हो सकता है, बुलेट निकाल दिया मैंने, पर मैं किसी क्लिनिक और डॉक्टर पास नहीं जा सकता। तुमको मेरे लिए डॉक्टर भिजवाना ही होगा, वरना बॉस आसपास जितने भी क्लिनिक या हॉस्पिटल हैं उसमें किसी भी ऐसे नए पेशेंट की एंट्री नहीं हुई है जिसकी बुलेट लगने से या किसी इस तरह से इंजरी हुई हो। चिग्नेश, आई एम श्योर वो शूटर इतना स्टूपिड नहीं होगा कि किसी हॉस्पिटल जाएगा बैंडेज करने के लिए। वो किसी भी डॉक्टर के घर जा सकता है, उसे गन पॉइंट पे रख के बोल सकता है बैंडेज करो। तो अब हम क्या करेंगे? याद है कोहली ने कहा था कि बलून मैन ने पहली बार कोई गलती की है। ओ, तो चॉकलेट पे उसके फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स इम्पॉसिबल है यार। आई मीन जिस भी स्टोर से चॉकलेट खरीदा गया वहां पे बहुत सारे लोग आए होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसे टच किया होगा, उसमें से बलून मैन की फिंगरप्रिंट सेपरेट करना इज इम्पॉसिबल। और हमें तो ये भी नहीं पता ये किस स्टोर से आए। जिग्नेश, आई एम श्योर तू ये बार कोड स्कैन करके तू पता लगा सकता है कि कौन से स्टोर से खरीदा गया। बलून मैन ने डिफरेंट स्टेट से जो बच्चियों को किडनैप किया है वो काफी सिमिलर है, उनकी हाइट, बालों का कलर, फीचर्स, एवरीथिंग। पर वो उन बच्चों को सॉर्ट कैसे करता है? पिंकी तो ज़्यादातर बीमार रहती थी, घर या हॉस्पिटल के अलावा कहीं और नहीं जाती थी। पॉसिबल ही नहीं है कि उसने उसे कहीं देखा होगा। आप FB, इंस्टा या और किसी सोशल साइट पर हो? या FB पे। इनफैक्ट मैंने FB पे उसके बहुत सारे फोटोज भी शेयर किए। चेक करो। हाय। हेलो। क्या आप चेक करके बता सकते हैं ये आपकी शॉप का? जी सर, ये हमारे स्टोर का ही है। और ये कब खरीदा गया था? एक्चुअली सर ये कल खरीदा गया है, और किसी ने इसके साथ बलून्स भी खरीदे हैं। कल की CCTV फुटेज होगी ना?
आप कौन? कोहली, इंस्पेक्टर सुधीर कोहली। अब पता चला कैसे ढूंढता है वो अपना शिकार। वेट स्टॉप, ये डॉल पर जूम करो। ये डॉल मैंने कहीं देखा है। Where have I seen it? Do you want it? No, pause. Kohli, tum? Khatri, Keshav Khatri. Tum yahan kya kar rahe ho? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे पता है कि किडनैपर कौन है। काफी बीमार रहती है आपकी पोती। हाँ, अठमासी है ना, आठवें महीने में ही पैदा हो गई थी, तो पैदाइशी बीमार ही रहती है। ये फोटोग्राफ आपकी पोती श्रेया की है? जी। काफी पुरानी लगती है। आठ साल पुरानी है। बहुत अजीब बात है कि आठ साल पहले भी आपकी पोती सात साल की थी और अभी भी सात साल की है। ये उसके सातवें जन्मदिन की फोटो है, मैंने ली थी। अच्छी है ना? श्रेया मेरी पोती, चीफ रावत की बेटी, काफ़ी बीमार रहती थी। क्या खाने से एलर्जी होती थी इस पर टेस्ट चल रहे थे, और उस एलर्जी को दबाने के लिए देव की इंजेक्शन के डोजेस देती थी। मुझे इंजेक्शन मतलब एक दिन इंजेक्शन का ओवरडोज हो गया। and it's over. श्रेया नहीं बची, लेकिन देव की ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बेटा दवाई का समय हो गया, कहाँ हो? श्रेया कहाँ है यार? श्रेया बेटा दवाई का माँ, अच्छा हो गया श्रेया को देखा, उसकी दवाई का समय हो गया, लेट हो रहा है। एक तो ना हाइडन से गलत समय पे खेलती है। कहाँ है, देखा आपने उसको? हाँ? श्रेया नहीं रही, श्रेया मर चुकी है। मर चुकी है मतलब? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मैं अपनी श्रेया को मरने दे सकती, मरने दे सकती हूँ मैं उसको? हाँ, अपनी श्रेया को, उससे पहले मैं नहीं मर जाऊंगी। कुछ भी बोलती हूँ, माँ यहाँ पे कहीं पर तो होगी। श्रेया देव की, श्रेया देव, श्रेया कहाँ, क्या है? पागलपन बंद करो और होश में आओ। क्या बोल रहे हो? मैं ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। क्या बातें कर रहे हो आप यार? मैं ठीक ठाक तो हूँ, मैं पागल दिख रही हूँ आपको? आपने कहीं मेरी श्रेया के साथ कुछ किया तो नहीं है? श्रेया को आपने छुपाया कहीं पे?
को। हमारी शाह यहाँ है, फेंको उसे। दो दिन बाद चीफ एक अनाथ बच्ची को ले आए। देवकी ने उसे श्रेया मान लिया। और ठीक अपनी श्रेया की तरह ही उसकी देखभाल करने लगी। श्रेया? लेकिन एक दिन पूरे एक साल बाद देखो पापा तो श्रेया की बर्थडे के दिन श्रेया? देवकी को सब कुछ याद आ गया। कहे हो सो ही क्या? तुम्हें एक बात पता है, वो हमारी श्रेया नहीं है, कोई और है। हमारी श्रेया बनने की कोशिश कर रही थी। आई मीन कोई भी हमारी श्रेया कैसे बन सकती है ना? कहाँ है वो? चिंता मत करो, मैंने उसे सलाह दिया। देवकी ने उस अनाथ बच्ची को ओवरडोज दे दिया। श्रेया, देवकी पर मर्डर चार्ज ना लगे इसलिए हमने उस लाश को ठिकाने लगा दिया। हमारे बंगले के बाहर खड़ी एक गाड़ी की डिक्की में उसकी लाश को रख दिया। रावत ने पांडे को फोन करके उस बच्ची की हेल्प करने को भी कहा। पांडे, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है, आप चिंता मत करो, हम अभी चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म किए देते। जयराम जी, जब अपने उसे टैक्सी में रखा तब वो जिंदा थी, लेकिन जब टैक्सी की चेकिंग हुई ना तो वो बेचारी मर चुकी थी। हाँ, लेकिन बात सिर्फ वहाँ ख़त्म नहीं हुई। श्रेया कहाँ हो यार? श्रेया ये कोई समय है क्या हाइड एंड सीक के लिए? श्रेया के बर्थडे के दिन देवकी को सब कुछ याद आ जाता था। उसे पता चल जाता था कि ये उसकी बेटी नहीं है। पीछे नहीं, और नहीं, फिर नहीं, वो हर बच्ची को ओवरडोज दे देकर मार देती थी। उसका मानना था मेरी बेटी की जगह कोई और कैसे ले सकता है। मैं इसको लेके जाती हूँ, कम ऑन कम ऑन जल्दी जल्दी। रावत अलग अलग शहरों में जाकर जोकर बनकर किडनैपिंग करता था। उस दिन जब पांडे रावत से फोन के बारे में पूछने आया था ना, तो उसने भी वही पूछा जो आज तुमने पूछा कि 7 साल बाद भी श्रेया 7 साल जीती ही क्यों? तो इसीलिए चीफ ने पांडे को मार दिया? नहीं नहीं, वो तो पांडे को सिर्फ समझाने गया था, लेकिन पांडे मारने के लिए तैयार नहीं था। तो और मेरी बेटी परी, उसके साथ क्या क्या तुमने हुआ? उसे भी मार दिया? नहीं 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 नहीं, जिस दिन तुम आए थे ना उस दिन वो यहाँ पे थी, सच में थी। लेकिन शायद उसने तुम्हारी आवाज सुन ली और फिर वो यहाँ से भाग गई।
हमने उसे बहुत ढूंढ डाला लेकिन वो मिली ही नहीं, और फिर देवकी को काबू में रखने के लिए हमें जबरदस्ती पिंकी को उठाना पड़ा, और फिर सब गड़बड़ हो गई। सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होगा, आपको मेरे साथ हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। हेडक्वार्टर? जानती हो मेरा बेटा पुलिस का चीफ है, अगर उसको पता चला कि उसकी माँ को हथकड़ी लगा के ले गए हैं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। राइट, पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना आपके पास? तुम्हें कोई स्मेल नहीं आ रही? पूरी फैमिली पागल है, इससे पहले चीफ कोई पागलपन करे ना हमें उसे पकड़ना होगा। तुम्हें पता है उनका डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर के पास नहीं गए, घर खाली पड़ा था, वो बच्ची को लेकर कहीं चले गए लेकिन गए कहाँ वो पता नहीं। शायद मुझे पता शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तुम जाओ, अरे तुम जाओ, मैं आता हूं। चीफ, इट्स ओवर, अब कुछ नहीं बचा। अच्छा होगा आप खुद को सरेंडर करते। मैं सरेंडर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो मैं भी और बच्चे का देखभाल कौन करेगा? मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। जाओ यहां से। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये पागलपन है। ऑलरेडी 6 बच्चियों की जान ले चुके हो तुम, और कितनी बच्चियों की बलि चढ़ाओगे? चलो यहाँ से, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम अपनी बीवी से उसकी बेटी नहीं छीन सकते। मैं कहता हूँ चले जाओ, आगे मत बढ़ना, मैं सच में इसे मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। उसके बाद क्या करोगे चीफ? I'm warning you, मैं मार दूंगा इसे, I'm serious. आप आइए या तो घर पहुंचा देंगे, नहीं घर पहुंचा देंगे।
मेरी बेटी। हम उसे ढूंढ निकालेंगे और मैं खुद उसे तुमसे मिलाने जेल ले आऊंगी। तुमने शोले देखी है? हाँ, क्यों? उसमें एक डायलॉग है, दुनिया में कोई भी दीवार इतनी पक्की नहीं होती है कि हेलो, यस, साक्षी रंजन स्पीकिंग। व्हाट? कहाँ? ओके, हम आ रहे हैं। केशव, वेट। हॉस्पिटल में एक लावारिस बच्ची को एडमिट किया गया है जिसकी उम्र 7-8 साल है और वो अपना नाम परी बताती है। हे हे, ये प्लीज। भैया सॉरी। थैंक यू डॉक्टर। हाउ इज शी? नथिंग सीरियस। 2-3 महीनों से उसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए गए थे। 2-3 महीने लगेंगे और इसे रिकवर होने में। थैंक यू। How are you? Don't worry. पापा तुमको बहुत जल्दी यहां से ले जाएंगे। तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। मैडम जी, वैन आई है आरोपी को लेके जाने के लिए। एक बात बोलूं, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया। काश मैं भी ये कह पाती। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। झूठी। इस बार गुड बाय किसने दोगी? ओ डरे, तुम्हें लगता है कि तुम पिघल जाओगी। एनीवे, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो मेरे वापस आने तक। परी, ऑफ कोर्स आई विल टेक केयर ऑफ। नहीं, मेरा मतलब किसका ख्याल रखना? ख्याल रखना, वापस आकर लूंगा। मैडम, वो केशव खत्री के ट्रांसफर के लिए आए हैं। सच में बॉस, वो बंदा सबका बाप निकला। सच में महा कमीना इंसान है। गारंटी टॉप क्लास सर्टिफाइड ISI मार्क वाला।